ब्रेस्ट फीमेल का एक ऐसा एरिया जो उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। कहते हैं मेल के लिए जितना उसके जेनाइटल्स में इरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसी फीमेल में उनकी ब्रेस्ट साइज उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। मैंने जब पिछली बार ब्रेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। आज मैं आपको ऐसी डाइट बताऊंगी कि अगर 5 चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका ब्रेस्ट का साइज डेफिनेटली नॉर्मल, अच्छा, सुडोल और बढ़ जाएगा। तो बात करेंगे इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही संबंधी सारे डाउट, सारी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे, ये चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड कर लें, मैं गारंटी बोलती हूँ आपका ब्रेस्ट का साइज बहुत अच्छा होने वाला है। आपके सूट्स आपको अच्छे लगेंगे, आपकी ड्रेसेस आपको अच्छी लगने वाली हैं। क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक करें, शेयर करें, अपनी वाइफ, अपने पार्टनर को दिखाओ ये वीडियो। तो चलिए, हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट के सही साइज के बारे में। ऑल्दो मुझे ये भी बोला गया था कि मैम कैसे ब्रेस्ट का सही साइज या ब्रा का साइज देखना है, उस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगी। आप पहले बात करेंगे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ाएं कैसे। बहुत सी फीमेल्स को इश्यूज हैं कि ब्रेस्ट बहुत ज्यादा लटक गई है, ड्रूपी हो गई है, या फिर अगर हम बात करें कि भाई साइज अच्छा नहीं है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्किनी है, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है पुअर डाइट। अगर डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो ऐसा होता है, मतलब जेनेटिक्स भी होता है, आपकी मदर की या फैमिली में ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा वेट कम या बहुत ज्यादा वेट ज्यादा की वजह से भी हो सकता है। हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हों, पीरियड्स टाइम से ना होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रोजन अच्छा बनता है तो आपका ब्रेस्ट साइज अच्छा होता है। यूजली मेल्स ऐसी फीमेल्स को पसंद करते हैं जिनका ब्रेस्ट का साइज अच्छा होता है, और ताकि वो इंजॉय कर सकें या सेक्स में उसे अच्छे से एड कर सकें। अब मैं बात करूंगी कि कैसे अपने ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाना है। पहली चीज जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है पपाया। पपाया इज वेरी गुड इन एस्ट्रोजन, और पपाया को अगर आप दूध के साथ मिक्स करके लेते हैं तो वो आपके ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में बहुत बार फायदेमंद पाया गया है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है मेथी दाना, जैसे मुझे फेन्युग्रीक सीड्स। मेथी दाने को अगर आप थोड़ा सा भुन के और सरसों के तेल में उसका मिक्सचर करके अगर आप एक जेली टाइप ऑयल बना लें तो फिर आप देखें और उसका मसाज करें। मैंने हमेशा बताया राउंडेड एंड अपवर्ड मसाज करेंगे तो देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट आता है। सो फ्रीज रूटीन में मैंने इसे यूज करना है। ग्रीक सीड आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी मानी गई है। तीसरे ही जो बीज के बारे में बात करूंगी वो है आपका सौंफ। सौंफ के बीज जिसे हम फेनल सीड्स कहते हैं वो भी बहुत फायदेमंद माने गए हैं, एस्ट्रोजन उसमें बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या करना है, अगर आप चाहें तो उसमें ऑलिव ऑयल में मिला सकते हैं, उसको पीस के ऑलिव ऑयल में ले लीजिए और उससे मसाज करें, या फिर आप कच्चा चबा सकते हैं। सौंफ तो खाने में भी बहुत अच्छी होती है। साथ साथ अगर आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स जिन्हें हम जो हम यूजली डाइट में ले लेते हैं उन्हें भी आप चबाना चाहें, मेथी दाने को भी आप चबाना चाहें या रात को भिगो कर रखकर लेना चाहें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। चौथी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 होता है, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ड्राई फ्रूट मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। तो जितने भी नट्स अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, ये सारे नट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी ब्रेस्ट को इम्प्रूव करने में। पांचवी सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत फायदेमंद चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत अच्छा एस्ट्रोजन होता है। सोयाबीन को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, पका हुआ, बना हुआ, सब्जी में, उबला हुआ, कैसे भी, तो भी आप अपने ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी स्टडीज हैं, चिकन को ज़्यादा लेने से हो जाता है, धीरे आप बिल्कुल सेफ तथ्यों पर चलें तो वो हेल्प करेगा। साथ में कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ, ब्रेंच प्रेस, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस, बहुत सारे योगा आसन्स होते हैं जो आपके ये वाले एरियाज है ना, इनको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। साइज ज़्यादा है, कम है, उसको सुडोल बनाने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा साइज हो तो भी अच्छा नहीं लगता, बहुत कम हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, बट देयर इज़ नो डिमार्केशन। ये भी मैं आपको समझा दूँ, प्लीज़ इससे फीमेल को जज करना छोड़ दीजिए कि हाय बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, योर चॉइस,
आपको कलर रिकॉग्निशन साइज इनसे किसी को भी अलग नहीं करना है. हर किसी की बॉडी अच्छी बॉडी है, किसी के बूब्स अच्छे बूब्स है. प्लीज अपने ब्रेस्ट के साइज की वजह से खुद का सेल्फ एस्टीम कम मत कीजिए, क्योंकि आप वो हैं जो आप यहाँ से सोचते हैं. अगर मैं यहाँ से सोचूंगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ और मुझे अपने पे काम करना है, तो डेफिनेटली आप अच्छा फील करेंगे. एंड मेल्स, ऑल द मेल्स हु फॉलो मी, प्लीज डोंट जज अ फीमेल ऑन हर ब्रेस्ट साइज. आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है. रेगुलर एक्सरसाइजेस, अच्छा डाइट और ये पांचों चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, आई गारंटी योर ब्रेस्ट साइज विल इंक्रीज. बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी. कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कैसे बनाना है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए. बहुत जल्दी एक और वीडियो, एक्सरसाइज भी मुझे आपको बतानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो मिस हो जाती है, नहीं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड स्पेशली शेयर विद योर मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स, दैट विल हेल्प यू.